हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल हाई बन हेयर स्टाइल, वो भी सिर्फ एक डोनट बन की मदद से। उससे पहले मैं एक आपको टिप्स दे देती हूँ, जो कि मुझे काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम अंडर आर्म्स का जो ब्लैकनेस होता है उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है एंड आपके अंडर आर्म्स को दोबारा से व्हाइट किया जाता है। अंडर आर्म्स ब्लैक क्यों होते हैं? आप जब बहुत ज्यादा ये जो क्रीम आती है जिसकी जिसे हम लोग हेयर रिमूव करते हैं वो हमारे बालों को पहले जला देती है, उसके बाद से हमारे हेयर को रिमूव करती है। तो वो जब बाल हमारे जलते हैं तो साथ साथ में स्किन को भी नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन उसको हमेशा यूज करने की वजह से ब्लैक हो जाती है, तो अंडर आर्म्स ब्लैक पड़ जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप क्रीम यूज करना छोड़ दीजिए। देन सेकेंड नंबर पे आप वैक्स यूज कर सकते हो, रेजर यूज कर सकते हो, बट रेजर से आपके जो हेयर होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, बट जल्दी है कहीं तो आप रेजर यूज कर सकते हो, सेफ है। एंड वैक्स सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि वैक्स कराने से आपका जो हेयर की ग्रोथ है वो लगभग 15 से 1 महीने तक आपका चल जाता है, रेजर 2 से 3 दिन में आपके हेयर दोबारा दिखने लग जाते हैं। तो आप क्रीम वगैरह यूज करना छोड़ दो, सिंपल नॉर्मली पार्लर में जाके आप वैक्स करा लो। आपको 50 से 100 रुपए अंडर आर्म्स वैक्स के लगते हैं एंड 100 रुपए लगते होंगे क्योंकि मेरा भी खुद का पार्लर है, मैं भी 100 रुपीज लेती हूँ अंडर आर्म्स हेयर रिमूव करने के। तो आप वैक्स कराइए, वैक्स से आपका जो अंडर आर्म्स है वो सेफ भी रहेगा एंड आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो भी काफी लॉन्ग टाइम पे निकलेगी। बट अब बात करते हैं जिनकी अंडर आर्म्स ऑलरेडी ब्लैक हो चुकी है उनको कैसे व्हाइट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप कोई मॉइस्चराइजर रख लीजिए डेली यूज पे, जो आपको आपके स्किन पे सूट करता हो वो डेली में आपको नहाने के बाद से अपने अंडर आर्म्स में यूज करना है। एंड बहुत ज्यादा ब्लैकनेस हो गई है तो आपको नारियल का तेल लेना है, नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर मिक्स कर लेना है एंड उसको आपको नहाने के बाद से अप्लाई करना है। बहुत ज्यादा ब्लैक हो गया है तो नारियल के तेल में कपूर एंड एलोवेरा जेल मिक्स करके रख लीजिए एंड बॉडी लोशन की जगह पे उसको यूज कीजिए। अंडर आर्म्स पे थोड़ा ज्यादा यूज कीजिएगा, 2 से 3 बार, बट सारी बॉडीज पे एक बार आप दिन में नहाते उस टाइम अप्लाई कर लो तो आपकी जो कलर है टोन है वो फेयर होने लग जाएगी धीरे धीरे और जहां भी डार्कनेस है वो भी धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा और आपका स्किन फेयर हो जाएगा। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए हेयर स्टाइल पे फोकस करते हैं। तो आज का जो हेयर स्टाइल है वो मैं बना ओके मेरा माइक है वो डिस्चार्ज हो चुका है तो चार्ज करने के बाद माइक लगाऊंगी, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आएगा तो प्लीज डोंट माइंड। आपको थोड़ा थोड़ा पतला पतला सेक्शन लेना है बालों का इस तरीके से एंड रबर बैंड को लगा देना है। सेंटर से इस तरीके से होल करना है, किसी भी तरह खींच लेंगे।
सेकंड लेयर भी लेंगे एंड रबर बैंड को बनाएंगे। जो हमारा लास्ट लेयर है उसमें भी एक रबर बैंड लगा देंगे। इस तरीके से आपका जो पोनी बना हुआ है उसके ऊपर से लेके जाएंगे एंड पोनी के चारों पर लपेट देंगे। आप चाहो तो अगर पोनी बनानी है तो आप इस तरीके से रख के यू पिन से इसको सिक्योर कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। साइड का जो कॉलेज है उसके लिए बेस्ट रहेगा एंड वेस्टर्न ड्रेस के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा ये। अब बारी आती है इस साइड का जो हेयर हमने छोड़ा है सिंपली इस तरीके से रखना है, देन बैक साइड से नीचे की तरफ से लेके जाएंगे एंड अपने पोनी पे इस तरीके से लपेट देंगे और ये पोनी हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से आप बना के कॉलेज जा सकते हो, अपने वेस्टर्न ड्रेस पहनी है तो बना सकते हो, आपके हेयर छोड़ शॉर्ट है तो भी काफ़ी अच्छा लगेगा ये। अगर कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप एक पिन लगा सकते हो यहाँ पे बॉबी क्लिप्स। ओके तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो जाएगा। सेकंड हेयर स्टाइल में आपको कुछ करना नहीं, बस आपने जो यू पिन्स लगाए थे अपने पोनी के उसको रिमूव कर लीजिएगा। उसके बाद आपने जो ये हेयर लगाए थे उसको इधर खींच लीजिए दोनों साइड से। पोनी में आपको एक डोनट बन लगा लेते हैं, देन इस तरीके से डोनट बन को हाइड करेंगे। हाइड करने के बाद से आपको यहाँ पे रबर बैंड नहीं लगाना है, रबर बैंड वाला जो स्टाइल है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, तो आपको इस तरीके से करने के बाद से थोड़ा सा हेयर को इस तरीके से रखेंगे और आपस में ट्विस्ट करते जाएंगे। इसमें आपको रबर बैंड यूज नहीं करना है, इस तरीके से ट्विस्टिंग करके आपके छोटे बालों को भी काफ़ी अच्छा और हैवी लुक मिल जाएगा। ओके अब आपको यू पिन से इसको सेट कर लेना है, अच्छे से यू पिन लगा लीजिएगा क्योंकि आपने यहाँ पे रबर बैंड भी नहीं लगाया है तो इसको सेट करना जरूरी है अच्छे से पूरा। काफी कंफर्टेबल रहेगा एंड पार्टी शादी में भी आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा सा एंड बड़ा सा बन आपका छोटे बालों में भी बन के रेडी हो जाएगा एंड थोड़ा सा डिफरेंट लुक आता है। रबर बैंड के मुकाबले जो रबर बैंड लगा के हम लोग बनाते हैं उससे थोड़ा सा अच्छा लुक आता है। अब आपको इस साइड के हेयर को लेना है, देन नीचे की तरफ से इस तरीके से लेके जाएंगे। बैक साइड का जो हेयर है वो सेटिंग स्प्रे से आप सेट कर लीजिएगा और बन के चारों तरफ लपेट के इस तरीके से यू पिन से सिक्योर कर देंगे। दूसरी साइड का जो हेयर है इस तरीके से फैल लेंगे। इधर का अगर आपको लेयर निकालना है तो आप निकाल लीजिएगा, आपकी चॉइस है। नीचे की तरफ से इसको भी लेके जाएंगे एंड बन के चारों तरफ से आप इस तरीके से लपेट देंगे। जितना लॉन्ग है आपका हेयर आप उस तरीके से देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।
लुक भी काफ़ी अच्छा लगता है एंड बहुत ईजी है, तो कोई भी बना सकता है। ये हमारे बन का फाइनल लुक है। जितने यू पिन की जरूरत हो अच्छे से लगा लीजिएगा, ये बीच में खुल जाएगा आपका हेयर स्टाइल। शादी फंक्शन के लिए बना रहे हो तो कम से कम 12 क्लिप्स आपको अपने जूड़े में लगाने हैं ताकि ये अच्छे से मैनेज रहे। तो ये था आज का हेयर स्टाइल एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है जो कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी अंडर आर्म्स वाइटनिंग के लिए। तो आप ये ट्राई करो गाइज, आपको एक हफ्ता कंटिन्यू ट्राई करना है, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना ताकि नेक्स्ट टाइम में और भी अच्छी इफेक्टिव वीडियो टिप्स आपके लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।